गजब फूला फूला एकदम लिट्टी जैसा लग रहा है, गजब दिख रहा है एकदम, काफी सुंदर बना दोस्तों, देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। तो दोस्तों, सुबह सुबह सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज का रेसिपी होने वाला है कुछ खास, तो बने रहिए हमारे वीडियो के पास। तो दोस्तों, आज का रेसिपी देख सकते हैं रिफाइन वगैरह से हम लोग कर रहे हैं, और जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, तो पूरा वीडियो को आप लोग वॉच कीजिए और बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो चलिए, देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। So, दोस्तों फाइनली देख सकते हैं, हो गया है हमारा रेसिपी का पूरा सामग्री, देखिए यहाँ तैयार है। तो पहले हम लेते हैं, ये क्या है? ये है मैदा। मैदा को इसमें डाल लिए हैं, देख सकते हैं आधा केजी मैदा है और आधा केजी सूजी है। अभी सूजी को भी निकाल लेते हैं गमला में। तो दोस्तों सूजी को भी मिला देते हैं मैदा में इस तरह से। तो दोनों पैकेट को मिला देंगे दोस्तों, आधा केजी ही है, दो पैकेट है। तो दोस्तों सूजी और मैदा दोनों को डाल दिए इसमें, और अब चीनी है आधा केजी, तो आधा केजी चीनी भी डाल देते हैं इसमें। आधा केजी सूजी, आधा केजी मैदा, और आधा केजी से थोड़ा सा कम, 50 ग्राम कम चीनी भी डाल दिए हैं। थोड़ा सा दूध भी मिक्स कर देते हैं, हमारा घर का दूध है, बहुत कम है। तो सारा चीज को डाल दिए हैं और इसको मिक्स करेंगे दोस्तों, लेकिन ठंडा पानी का यूज नहीं करेंगे, गर्म पानी है, गर्म पानी हम करके रख लिए थे, और गर्म पानी इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के और इस तरह से भी मिक्स करेंगे दोस्तों सारा सामान को। से मिक्स हो ही गया है, और अच्छा से इसको एकदम चीनी को गलाएंगे दोस्तों, एकदम 10 मिनट तक चीनी को गलाएंगे बढ़िया से दोस्तों, तो बनेगा। चीनी नहीं गलेगा तो अच्छा नहीं बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी इसको हम फूलने के लिए छोड़ देते हैं 10 मिनट तक, अच्छा से फूल जाएगा तो आप लोग को। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर चूल्हा जला लिया है, काफी सुंदर चूल्हा जल गया है, और अभी कढ़ाई चढ़ा देते हैं चूल्हा में। देख सकते हैं रिफाइन है, ये बेस्ट चॉइस लिखा हुआ है। अब इसको भी डाल देते हैं रिफाइन, रिफाइन से ही बनाएंगे दोस्तों। तो कढ़ाई में भी डाल देते हैं दोस्तों रिफाइन को, जमा हुआ है ठंडा का मौसम में, जमा जमा रहता है रिफाइन ना। फाइनली दोस्तों 10 मिनट हो चुका है, और ये वाला देखिए कितना अच्छा फूल गया है, और काफी एकदम मस्त हो गया, चीनी पूरा गल चुका है दोस्तों, और इधर कढ़ाई हो गया है गर्म, तो अभी इसको डालते हैं। देखिए कितना अच्छा बन रहा है एकदम, कढ़ाई काफी सुंदर एकदम गर्म हो चुका है दोस्तों, अभी मस्त फूल जाएगा देखना। अभी अब फूलेगा दोस्तों तो अपने आप ऊपर आ जाएगा। अब थोड़ा सा पलटा देते दोस्तों इस तरह से, देखिए ब्राउन कलर हो गया, अब उठा देते दोस्तों, देखिए कितना अच्छा फूला फूला बन गया है, एकदम फूला फूला पुआ बन गया है, मस्त देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तब इसी तरह से सारा पुआ को बना लेते हैं दोस्तों, एकदम कढ़ाई हो चुका है काफी ज्यादा गर्म, थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना अच्छा फूला फूला बन गया है पुआ, देखिए कितना खूबसूरत से बन रहा है, गरम गरम एकदम बन रहा है मस्त चूल्हा में एकदम। तो दोस्तों हम बना रहे, मम्मी जी आप लोग को टेस्ट करके बताएंगे कैसा पका है, कच्चा वगैरह रहा है। यहाँ पे हम निकाल लिए हैं, देख सकते हैं हम मम्मी जी के लिए, और चलिए जा करके देते हैं क्या, टेस्ट करके बताएंगे कैसा बन रहा है। हाँ तो चलिए दोस्तों चलते हैं और जाकर के मम्मी जी को देते हैं क्या। तो आ गए हैं मम्मी जी के पास, और देखिए ये रो रहा है एकदम से लेने के लिए, देखिए तो मम्मी जी को दे दिया है, और अभी खा करके आप लोगों को बताएंगे कि कैसा लग रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सिप्पी खा रहा है, कन्या खा रहा है, और मम्मी जी देखिये वो गर्म है, गर्म है दोस्तों, इसलिए देखो देखो खा करके देखो सिप्पी कैसा लग रहा है, ये एकदम अच्छा बता दिया। कन्हैया कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा मम्मी जी देखेगी, मम्मी जी अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा, तो अच्छा, अच्छा बना है हमारा रोटी ठो, तो आप लोग भी बनाइए और एंजॉय कीजिए, और चलिए रूपा जी से मिलाते हैं और देखते हैं पूछते हैं कैसे लग रहा है बनाने में।
तो बताइए अब कैसे लग रहा है? आई देखिए कितना सुंदर सुंदर बनाए हैं पुआ, अभी बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कैसे। फाइनली दोस्तों बना के कंप्लीट कर दिए, देखिए सब खत्म हो चुका है, पानी डाल दिए इसमें और देखिए ना बना लिए, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए ये हमारा लास्ट वाला है, ना फूला फूला बना, ना सोचे नहीं थे इतना अच्छा बनेगा, लेकिन काफी सुंदर बन गया। देखिए कैसे फूल गया, देखिए कितना अच्छा फूला है, मस्त देखिए कितना सुंदर लग रहा है, गजब फूला फूला एकदम लिट्टी जैसा लग रहा है, गजब दिख रहा है एकदम, काफी सुंदर बना दोस्तों देखिए। और दोस्तों पता है हम आधा केजी सूजी और आधा केजी मैदा डाले और आधा केजी तेल और आधा केजी चीनी, इतना सामान से इतना अच्छा बना लिए, देखिए इतना अच्छा क्रिस्पी क्रिस्पी बना। और दोस्तों ये ना तुरंत खराब भी नहीं होता है, आप लोग ये वाला चाहे ना तो ये मतलब 4-5 दिन रख सकते हैं एकदम अच्छा से एकदम, और खा सकते हैं रख के। देखिए अंदर तक कैसे पका आप लोग को दिखाते हैं, देखिए कितना गरम गरम है, एकदम मस्त पका है दोस्तों, गजब है। तो आप लोग भी बनाइए और खाइए ठंडा का मौसम में गर्मा गर्म पुआ। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं हमारा पुआ बन के हो गया है तैयार, वो हमारा कढ़ाई उधर जल रहा है देखिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग पूरा ब्लॉग में ही देख लिए होंगे कि किस तरह से हम लोग कितना मेहनत करके बनाए, तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और आप लोग बनाने का कोशिश जरूर कीजिएगा, एकदम तुरंत बन जाएगा। हाँ एकदम, हम लोग देहाती स्टाइल में बनाए हैं, एकदम देसी, कोई एकदम से मिलावट नहीं किए हैं, बढ़िया से बनाए हैं। तो कैसा लगा हमारा रेसिपी, अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।